आज हम चर्चा करेंगे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, यानी जो खून खून के नली में, जैसे उदाहरण लीजिए, साथ में जो खून की नली है, उस नली के अंदर जो खून है वो नली के दीवार के ऊपर एक दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, एक होता है या दो होता है या तीन होता है, बहुत सारे लोग बहुत संदेह में रहते हैं क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है। ऐसे अंग्रेजी शब्द में हम अगर बोले तो उसको हम लोग ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले को बोलते हैं लोग डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो ब्लड प्रेशर हुआ, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब इसको समझने के लिए प्रयास करें तो एक नली है, खून की नली है, उस नली के अंदर जब हृदय पंप करता है, मानी जब हृदय सिकुड़ता है तो खून हृदय के अंदर निकल के खून के नली में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पंप करना, या उसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल। तो हृदय जब पंप करता है या सिकुड़ता है तो खून जो है खून के नली में जाता है। जैसे ही खून खून के नली में खून जाता है तो उस वक्त क्या होता है, उसका खून का नली के अंदर जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। मान लीजिए खून के नली के अंदर पहले प्रेशर 80 था, जब खून गया तो उसमें हो गया 120। लेकिन जब खून जाता है, फिर खून जैसे नली में जाता है तो खून वहाँ से फिर आगे बढ़ जाता है, तो फिर जैसे आगे बढ़ जाता है तो फिर वो प्रेशर घट के 80 में फिर आ जाता है। तो ऊपर वाले के सिस्टोलिक हम इसलिए बोलते हैं कि जिस वक्त हार्ट सिकुड़ता है, पंप करता है, उस वक्त को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल अंग्रेजी में, इसलिए उस ब्लड प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक, या ऊपर वाला आप बोल सकते हैं अपनी भाषा में। और जब खून थोड़ा आगे बढ़ जाता है, प्रेशर उसके अंदर घट जाता है, जो जहाँ पे घट जाता है तो फिर से हार्ट क्या करता है, ब्लड दे देता है उसमें, तो फिर से बढ़ जाता है। तो इस कहने का मतलब, जिस वक्त हार्ट ब्लड देता है उस वक्त हार्ट काम करता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और जिस वक्त ब्लड नहीं दे रहा है, जो सबसे कम हो जा रहा है, उस वक्त हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक। उस वक्त हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है, आराम करता है अपने भाषा में, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर दो होता है, एक होता है ऊपर वाला, एक होता है नीचे वाला। लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा, तो ब्लड प्रेशर कहने का मतलब नली के अंदर 80 प्रेशर है, जब ब्लड आता है तो वो 120 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब सब ज़्यादा है 120 है, जब कम है तो कितना है, 80 है, इसी के बीच में आपका चल रहा है। हाँ, अगर हृदय 1 मिनट में, सपोज मैंने मान लीजिए कि 1 मिनट में 70 बार धड़क रहा है हार्ट, तो 70 बार हार्ट पंप कर रहा है, तो 70 बार जो है आपके खून के नली के अंदर 120 पहुंच रहा है, और 70 बार जो है ब्लड प्रेशर वो 80 पा रहा है, 1 मिनट के अंदर इतना हो रहा है। और जब खून नली में जाता है जोर लगा के, तो वही खून जो है इतना प्रेशर है, तभी वो दिमाग तक पहुंचता है, नहीं तो फिर दिमाग तक नहीं पहुंचा। अगर ब्लड प्रेशर उदाहरण के तौर पर हम लोग बोलते हैं कि सिस्टोल जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है 90 से नीचे नहीं होना चाहिए, और नीचे वाला 60 से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी 90 और 60, इसके अगर नीचे आ गया तो क्या होगा, उतना प्रेशर नहीं रहेगा कि खून सही से सप्लाई कर पाएगा दिमाग को या किडनी को, तो अंत में क्या होता है, पेशाब बनना कम हो गया, दिमाग को कम मिला, तो हो सकता है आपको चक्कर आए। जब खास करके बाइट शो करके उठते हैं, आप लेटे हुए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप जब कोई आदमी लेट जाता है तो ग्रेविटेशन के कारण से खून नीचे की ओर जाता है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण से। लेकिन जैसे वो खड़ा हो जाता है, जब खड़ा हो जाता है तो खून जो है ग्रेविटेशन के कारण से थोड़ा नीचे आता है, उस वक्त प्रेशर की जरूरत होती है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है और वो बैठ सोए हुए से अचानक खड़ा हो जाते हैं, तो उसका खून ब्रेन को कम मिलता है और वो बेहोश होकर चक्कर खा के गिर जाते हैं, इस चक्कर खा सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर किसी को है, जैसे खास करके आपको पसीना काफ़ी आ रहा है, या आपका पेट खराब काफ़ी ज़्यादा है और पानी नहीं पी रहा है, उल्टी भी हो रहा है, तो उस वक्त ब्लड प्रेशर घट जाता है, और वैसे व्यक्ति को अगर अचानक उठा दिया जाए तो चक्कर खाने लगता है। तो ये लो ब्लड प्रेशर का, अक्सर लो ब्लड प्रेशर का बस ठीक करने का बहुत आसान उपाय होता है, अगर पेट खराब है तो पेट खराब ठीक कीजिए, उसको पानी अगर पी सकते पी लीजिए, अगर पानी नहीं पी सकते उल्टी भी हो रहा है, तब इंट्रा हम लोग बोलते हैं आईवी, अभी मतलब होता है जो खून के नली दो होते हैं, एक खून पहुंचाने वाला, एक खून वापस हार्ट की तरफ ले जाने वाला। तो वापस जो हार्ट की तरफ ले जाने वाला होता है वो आसान होता है, उसमें लोग
से निडल से छेद करके उसके अंदर, और उसके अंदर पानी चढ़ा देते हैं, जो नॉर्मल सलाइन बोलते हैं हम लोग वो चढ़ाते हैं खासकर, क्योंकि नॉर्मल सलाइन का मतलब होता है, सलाइन का मतलब नमकीन पानी, और नॉर्मल का मतलब होता है कि हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी है उसके हिसाब से उतना ही है, जिसमें बोलते हैं नॉर्मल, सामान्य, सही, जैसे ऊंचा नहीं नीचा नहीं, सामान्य है, मतलब हमारे शरीर के हिसाब से उसका नमकीन होना हमारे शरीर के नमकीन होने के बराबर है, उसको बोलते हैं नॉर्मल सलाइन, NS, तो उसको चढ़ा देते हैं। जैसे किसी का पेट बहुत खराब है, BP कम हो रहा है, तो उसको चढ़ा दीजिए, तो इस तरह से उसके BP को ठीक कर सकते हैं। अगर वो खाना पानी पी रहा है तो आप नमक पानी पिला दीजिए। हम लोग अक्सर नमक चीनी पानी पिलाने बोलते हैं, क्या क्यों? क्योंकि चीनी साथ नमक पानी शरीर में जाता है, चीनी के हेल्प से जाता है, तो इस तरह से वो शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को ठीक किया जाता है। रही बात हाई ब्लड प्रेशर, हाई का मतलब होता है ज़्यादा, ब्लड का मतलब रक्त, प्रेशर का मतलब दबाव, चाप, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, इससे कितने लोग परेशान हैं दुनिया में, तो इसका औसत देखिएगा तो अगर 20 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं, जनसंख्या है, उसमें लगभग 1/3 लोग ब्लड प्रेशर से परेशान है, परेशानी इससे इसमें उसका बढ़ा हुआ है, खास करके उसमें सब लोग परेशान नहीं होते। सबसे ब्लड प्रेशर में एक बात क्या है, अगर 100 व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है तो आधे को पता भी नहीं होता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और उसका एक उदाहरण देंगे कि अमेरिका का उदाहरण है कि अगर समाज में 100 व्यक्ति ब्लड प्रेशर से पीड़ित है तो 50 को पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर उनको है, और वो जो 50 को पता है वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो 25 केस में डॉक्टर का जो दवा होता है वो उसके ब्लड प्रेशर के हिसाब से कम पड़ जाता है, इसलिए मतलब उसका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता है, यानी 50 में से 25 का ब्लड प्रेशर इसलिए ठीक नहीं होता है कि डॉक्टर का दवा का डोज जो है उसके ब्लड प्रेशर से कम पड़ जाता है। और जिस 25 को दवाई सही होता है उसमें से आधे लोग डॉक्टर की बात सलाह को नहीं मान करके वो सही से दवा नहीं खाते, इसलिए उसका ब्लड प्रेशर, यानी 25 में से 12 आदमी सही से दवा ही नहीं खाए तो उससे ब्लड ठीक नहीं होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि 100 अगर समाज में लोग हैं ब्लड प्रेशर के तो उसमें सिर्फ 12 लोग का इलाज सही हो रहा है, बाकी लोग गड़बड़। तो इसी को समझाने के लिए हम अभी चर्चा करें थे ब्लड प्रेशर, ऐसे ब्लड प्रेशर का लक्षण क्या होते हैं, पहले तो बता ही दिए कि ब्लड प्रेशर के आधे लोगों को पता भी नहीं होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को लक्षण नहीं होता है, बढ़ा रहता है, शरीर बर्दाश्त करते चलता है। ऐसे ब्लड प्रेशर लक्षण सोचिए सुनिएगा तो सबसे पहले माथा के पीछे में, खास करके मॉर्निंग समय सवेरे के समय में दर्द होता है, या आँख के सामने रोशनी में कुछ दिक्कत हो रहा है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट का प्रॉब्लम होता है, आँख का प्रॉब्लम होता है, ब्रेन का प्रॉब्लम होता है, पता चलता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेकिन सबसे जब आपको एक अनइजीनेस फील होना, अच्छा नहीं लगना, थकान होना, माथा के पीछे दर्द होना, आँख में कोई दिक्कत महसूस होना, उम्र ज़्यादा होना, मोटा होना, डायबिटीज़ होना, या आपके भाई बहन किसी को ब्लड प्रेशर बीमारी पहले से या माता पिता में था यह है, तो ये सब आपको ब्लड प्रेशर की ओर इशारा करता है कि ब्लड प्रेशर हुआ बढ़ावा हो सकता है। तो लगभग ये रहा ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर दो होता है, ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाला जब फिर पंप करता है तो उस पर जो खून की नली में प्रेशर बढ़ जाता है, उस ऊपर वाला जितना बढ़ कर ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ऊपर वाला सिस्टोलिक, क्योंकि सिकुड़ने की प्रक्रिया को सिस्टोल बोलते हैं, इसलिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसे बोला जाता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है, आराम करता है, उसको डायस्टोलिक नीचे वाला बोलते हैं। उनके नली के अंदर जितना बार हृदय सिकुड़ते रहता है, पंप करते रहता है, उतना बार ऊपर भागते रहता है, फिर खून आगे बढ़ जाता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर दोबारा हार्ट पंप करके खून देता है, खून नली में फिर बढ़ जाता है। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर बना रहता है। ब्लड प्रेशर बनने से, यानी खून की नली में खून का प्रवाह होने से, हम जो खाना खाते हैं, हम जो सांस लेते हैं, ये दोनों खाना से जो ग्लूकोज टूटता है, सांस से जो ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी पैदा करता है। आप जाने रहे बिना एनर्जी क्या दुनिया चलती नहीं है, जैसे कि आप खाना नहीं खाइएगा तो काम नहीं कर पाइएगा, बिजली नहीं रहेगी तो काम नहीं चलेगा। बिजली हमारे लिए जरूरी है, एनर्जी जरूरी है, एनर्जी से हम बोल रहे हैं, एनर्जी से हम सुन रहे हैं, एनर्जी से हम खा रहे हैं, एनर्जी से गाड़ी चल रही है, एनर्जी से आपका सारा कुछ दुनिया में हो रहा है, और सब एनर्जी का सोर्स सूरज है जो आकाश में है, क्योंकि सूरज का एनर्जी लेने का तरीका धरती पर सिर्फ एक जगह हुआ है, पौधा। पौधा अगर नहीं रहा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए आजकल पर्यावरण और पौधा के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है। उसका एनर्जी पौधा तक आता है, पौधा से हम लोग भोजन खाते हैं, या अन्य जीव भी भोजन लेते हैं पौधा को, जैसे कि बकरी भी लेती है पौधा से, खाती है घास खाती है, कभी कभी उस जानवर को दूसरा जानवर भी खा लेते हैं, या मनुष्य भी कहते हैं। लेकिन अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स सूरज है, और सूरज के एनर्जी लेने का
एक ही तरीका है, वो है पौधा है। इसलिए पौधा धरती पर पहले आया, तभी और जीव सब आए हैं। अगर पौधा नहीं होते तो हम लोग नहीं होंगे। इसलिए पौधा का रक्षा करना, जंगल का रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में जंगल की मात्रा बहुत सारे देशों की तुलना में बहुत ख़राब हो चुका है। रेशियो जितना आदमी के पेड़, इतना जंगल इतना पेड़ होना चाहिए, बहुत ख़राब है इंडिया का। और साथ साथ में इंडिया का जो हैप्पीनेस स्कोर है, खुशी होने का जो स्कोर है, वो बहुत पिछड़ता जा रहा है। यहाँ तक पाकिस्तान से बहुत पीछे है। क्योंकि हैप्पीनेस सिर्फ ये नहीं कि डेवलपमेंट, हैप्पीनेस ओवरऑल होता है। आदमी खुश है, आदमी संतुष्ट है, आदमी अपने रोज़गार के लिए कुछ रोज़गार करके अपना खाना पीना के लिए आसानी से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सारी बातें। क्या वहाँ का पॉलिटिक्स है, वहाँ क्या प्रेशर है, वहाँ क्या करप्शन है, वहाँ कैसा रोड है, वहाँ कैसी बिजली है, तो ये सारे में लगे खुशी होता है। तो अगर खुश रहते हैं तो ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। तो एक्सरसाइज करने से, अच्छा भोजन, सही भोजन लेने से, खासकर नमक इसमें कम हो, तेल मसाला कम हो, घर का बना हुआ खाना खाने से, अंकुरित जो चीज़ होता है उसको खाने से, गेहूं में चोकर युक्त रोटी खाने से, ये सब खाने से आपका शरीर अच्छा होगा, ब्लड प्रेशर सही रहेगा, हृदय सही रहेगा, ब्रेन सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। धन्यवाद।